मिर्ज़ा खां दाग नवाब शमसुद्दीन खां के घर 25 मई 1831 में पैदा हुए। अंग्रेज रेजिडेंट विलियम फ्रेजर ने 1835 में उनके वालिद को फांसी दी। उनकी मां को अंग्रेजों से रूपोश होकर जगह जगह भटकना पड़ा। दाग की वालिदा जब बहादुर शाह जफर के वलीहद मिर्जा फखरू के निकाह में आई तो उन्होंने दाग को भी लाल किले में बुलवा लिया। दाग की शायरी लाल किले में परवान चढ़ी। 13-14 बरस की ये आवाज जब पहली बार लाल किले में गूंजी तो उसने गालिब को चौंकाया, जौक को मुतवज्जो किया और बहादुर शाह जफर से दाद हासिल की। अब शम्मे सुखन उस्ताद शाह के नए और कम उम्र शागिर्द नवाब मिर्जा दाग के सामने है। इजाजत? मतलब अर्ज है, मुझे अहले काबा याद क्या मैखाना आता है, मुझे अहले काबा याद क्या मैखाना आता है, इधर दीवाना जाता है उधर मस्ताना आता है। आधा अर्ज है, आधा अर्ज है। एक और शेर अर्ज है, रुखे रोशन के आगे शम रखकर वो ये कहते हैं, रुखे रोशन के आगे शम रखकर वो ये कहते हैं, उधर जाता है देखें या इधर परवाना आता है। गालिब साहब, आप ही की जमीन में कुछ अशार कहने की हिम्मत की है। इरशाद। जौक साहब इजाजत। इरशाद। अजब अपना हाल होता जो विसाले यार होता। वाह। अजब अपना हाल होता जो विसाले यार होता, कभी जान सदके करते कभी दिल निसार होता। बहुत बहुत सुभान अल्लाह। न मजा है दुश्मनी में, न मजा है दुश्मनी में, न है लुत्फ दोस्ती में। वाह। न मजा है दुश्मनी में, न है लुत्फ दोस्ती में, कोई गैर गैर होता कोई यार यार होता। सुभान अल्लाह। खूब जबान लिखते हो मियां। आदाब भाई। दाग के बाद तो अब गजल कहने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। ऐसा कीजिए, हमारी गजल भी आप ही पढ़ दीजिए। भाई सुनो, हमारा एक शेर है, मुझको ये नाज उनका हर एक जोर सह गया, कातिल को ये गिला कि मेरा हाथ रह गया। इसमें मेरा हाथ रह गया के बारे में पूछना चाहते हैं। कल जहीर दहलवी इसके इस्तेमाल पर शक कर रहे थे। हम तो यही बोलते हैं, लाल किले की भी तो यही जबान है। हाँ, और इस जबान से बढ़कर और सनद क्या हो सकती है। ये लीजिए, नवाब मिर्जा दाग दहलवी की गजल पेश खिदमत है। दिल गया तुमने लिया, दिल गया तुमने लिया,
क्या करे जाने वाली चीज का जाने वाली चीज का गम क्या करे जाने वाली चीज का गम क्या करे जाने वाली चीज का गम क्या करे जाने वाली चीज का गजल थी लेकिन आपके लिए थी ज़हे नसीब बीवी पर गजल कब से जब से अम्मी जान ने आपको हमारे हवाले किया था हाय अल्लाह चले दिल गया तुमने लिया हम क्या करें जाने वाली चीज का गम क्या करें वाह वाह मजा आएगा आदर से रहमान भाई जी ये शेर किसका है पूछते हैं शेर किसका है इसी बात का तो गम है हुजूर आप पान लगाएं ऐसा सुरीला पान लगाएं कि जिसकी खुशबू सूंघते ही अमीर जान अपने होश खो बैठे हसरती दिल आप है किस ध्यान में मर गए लाखों इसी आदाब अर्जा खानम आदाब रहमान मिया बैठिए ओ नवाजिश करम एक अदा मस्ताना सर से पांव तक छाई हुई उफ तेरी काफिर जवानी जोश पर आई हुई क्या मजे का शेर है आहा किसका शेर है ये होता किसका हमारा शेर है तुमको देखा तो अल्फाज खुद ब खुद शेर में ढल गए तुम कब से शायर बन गए खानम तुम्हारी जवानी की कसम हमारा ही शेर है
रहमानिया, लगता है हमारी जवानी की तरह इस शेर से तुम्हारा रिश्ता भी नाजायज है। अम्मी आप भी कमाल का फिक्रा चुस्त करती हैं। ये लो, ये भी कोई बात हुई? अच्छे शेर को परवरदिगार इतनी सजा तो नहीं देगा जो इन पर नाजिल करे। एक अदाब मस्ताना। अच्छा ये गजल आपकी है तो जरा लिखवाइए। सच पूछो तो गजल हमारी है लेकिन मशहूर दाग दहलवी के नाम से है। भाई बहुत शोहरा है उनके कलाम का। कल रहमत कवाल ने उन्हीं की गजल पर अच्छी खासी रकम बटोरी थी। जो नवाब दाग को यहाँ लाए वो मुंह मांगा इनाम पाए। कुछ ताजगी हो लज्जते आजार के लिए हर दम मुझे तलाश नए आसमां की है। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, हिंदुस्तान में धूम हमारी जबां की है। पान लीजिएगा। ये क्या है? ये हमारे पहले दीवान का मुसव्वदा। मुबारक हो, अल्लाह इज्जत और कामयाबी अता करे। मगर ये चिराग पत्ती के वक्त कहाँ जा रहे हैं? जिधर कदम ले जाएं, क्या कहें, जन्नत मकानी साहिब आलम नहीं रहे, उन्हीं के साथ लाल किले की सारी बेफिक्रियां जाती रहीं। अब तो बस हम हैं और ये दूर तक जलाती सताती दिल्ली है। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। अजी ऐसे जी क्यों हारते हैं? खुदा लाल किले तक ही तो नहीं है। अम्मी जान ने रामपुर रुक्का भिजवाया है। वो दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये दिन भी नहीं रहेंगे। अम्मी जान की तबीयत अब कैसी है? अच्छी है। हाँ याद आया, कल मिर्जा खालिद ने आपको याद फरमाया था। वहीं जा रहे हैं ना आप? ये वक्त तो मिर्जा के जाम का है और हमारे लिए काम का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। आजकल मिर्जा की जमीनों पर बहुत गजलें कह रहे हो। कहां मिर्जा गालिब, कहां हम। बस यूं समझिए कोई जमीन बह जाती है तो यूं ही गुस्ताखी कर लेते हैं। गुस्ताखी कहकर रिश्ते की लाज रख रहे हो। भाई क्यों नहीं, आपके वालिद नवाब शमसुद्दीन खां की तरफ से वो आपके फूफा जो ठहरे। बैर तो सिर्फ अमीर से है। नहीं नहीं, आपका एक शेर अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, मर के भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे, वो बार बार पढ़ते हैं। उस्ताद दीवान मुकम्मल हो गया है, आप एक नजर डाल लेते तो तसल्ली हो जाती। भाई मिर्जा नवाब, इसके तो सारी गजलें हमारी देखी हुई हैं। लेकिन उस्ताद की नजर तो उस्ताद की नजर होती है। अच्छा लाइए देख लेते हैं। खुदा ने आपको मकबूल आम किया नवाब मिर्जा, खूब डूब के कहते हो। अब आपको इसलाह की जरूरत नहीं।
कहाँ खो गए दाव साहब? कहीं नहीं रहमत मियां। आइए तशरीफ ले चलिए। चलिए। हाँ चलिए। आज दरगाह में क्या मांग आई हो? यही, अल्लाह सबके होश ठिकाने रखे। क्यों, होश खोने का अंदेशा था क्या? यूं ही समझ लो, कर मेरे पुते होश रुबा को नहीं देखा, उस देखने वाले ने खुदा को नहीं देखा। बहुत खूब, तुम्हारा शेर है? हमारी शायरी में यह बात कहा, कलकत्ते में किसी ने दिया था, किसी दाग साहब का है। ओ, उनकी तो इन दिनों यहाँ बहुत शोहरत है। देखिए मैं किसे लेकर हाजिर हुआ हूँ, आप हैं नवाब मिर्ज़ादा। सह नसीब, तशरीफ रखें। आइए, तशरीफ रखें नवाब साहब। अमीर जान, हिजाब, देखो तो हमारे यहाँ कौन आए हैं। आदाब, आदाब। आओ हिजाब। दाग साहब, यकीन नहीं आता ये ख्वाब है या हकीकत, अभी तक तो कलाम ही सुना था। कद्र अफजाई है, आजकल तो हर कोठे पर आप ही के गजलों की धूम है। वाह वाह, क्या कहने इनके, मुहावरों से सजी जबान, साफ सुथरा बयान, शेर सुनते ही दिल में तीर हो जाता है। वाह 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 वाह। दाग मौजिज बयां है, क्या कहना, तर्स सबसे जुदा निकाली है। आपसे कुछ सुनने की दरख्वास्त है। हम क्या सुनाएं, हमें तो आपकी तारीफ यहाँ खींच लाई है, आप भी कुछ शेर सुनाएं। क्यों शर्मिंदा करते हैं, इनसे कहिए बहुत अच्छी शायरा है, हिजाब तखल्लुस है इनका। सुना दो, दाग साहब की फरमाइश है। खातिर से या लिहाज से मैं मान तो गया, झूठी कसम से आपका ईमान तो गया। अरे ये तो हमारी गजल सुना रही है। आप अपने शेर सुनाएं। हमारे शेर आपके शेरों से अच्छे कहाँ हैं? आदाब अर्ज़ खान, आदाब। आदाब। खैर तो है रहमान मियां? रहमान साहब, ये नवाब मिर्ज़ा दाग साहब हैं। मैंने आपसे कहा था ना कि... मैंने भी कहा था, इनाम वो पाता है जो दाग साहब को यहाँ लाता है, और इन्हें यहाँ रहमत कव्वाल लाए हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम। आदाब क़िबला। हाँ नवाब मिर्ज़ा। अकेले क्या कर रहे हैं? तन्हाई को बहला रहा हूँ, सुबह करना शाम का, लाना है जुए शीर का। कोई ताज़ा गज़ल कही हो तो सुनाओ। आप ही की ज़मीन में गुस्ताखी करने की जुर्रत की है? लोग तो गालियाँ देकर गुस्ताखी करते हैं, तुम तो गज़ल ही कहते हो, मतलब सुना। अर्ज़ किया है, वो निगह राह पर नहीं आती, नजर आती नजर नहीं आती, आगे आती थी याद भी तेरी, अब कभी भूल कर नहीं आती। वाह, अब कभी भूल कर नहीं आती, आगे आती थी हाले दिल पे हंसी,
अब किसी बात पर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। आदाब, मैं निसार अली शोहरत हूं मिर्जा साहब। आइए तशरीफ रखें। किसी नई गजल की आमद आमद है शायद? नई गजल कहां, पुरानी गजलों के मुश्किल लफ्जों को आसान उर्दू में बदलने की कोशिश कर रहा हूं। जी हाँ, कोई कुछ भी कहे, आखिरी उम्र में हमारी तो यही राय है कि दिल्ली वालों की जो जबान है, आसान जबान, उसी को शेर में बरतना चाहिए। इस लिहाज से दाग की जबान। दाग? दिल गया तुमने लिया, हम क्या करें। वाह 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 वाह। दिल गया तुमने लिया, हम क्या करें। जाने वाली चीज का गम क्या करें। वाह वाह बहुत साफ कहता है। यूं समझो कि जौक ने उर्दू को पाला है और दाग उसे तालीम दे रहा है। वाह शायर। हुजूर, हुजूर। खैर तो है, ये सांसें क्यों फूल रही हैं? हुजूर, दरवाजे खिड़कियां बंद कर लीजिए, सारे शहर में बाहर काट हो रही है। बादशाह को हिरासत में ले लिया गया। सत्तावन के गदर में बहादुर शाह जफर की जिलावतनी और दिल्ली के उजड़ जाने के बाद दाग ने कलवे अली खां के रामपुर में पनाह ली। दिल्ली की तबाही में अपने पहले दीवान के जाया हो जाने के बाद यही उनका दूसरा दीवान गुलजारे दाग सामने आया। दाग उनसे दिमाग करते हैं नहीं मालूम क्या। यही वो मशहूर मसनवी शाये हुई जो फरियादे दाग के नाम से दाग और मुन्नी बाई हिजाब के इश्क की दास्तान को दोहराती है। खैर तो है, किस उलझन में उलझे आप? नहीं कुछ नहीं, यूं ही नींद उचट गई थी। कई दिनों से यूं ही नींदें उचट रही हैं। कोई परेशानी जरूर है जिसमें हमारी शिरकत जरूरी नहीं समझते आप? परेशानियां तो जिंदगी के साथ हैं, क्या करें, तबीयत ही खुदा ने ऐसी दी है।
मुर्दों की है हवस कभी, कुएं बुतां की है, मुझको खबर नहीं मेरी मिट्टी कहां की है। मेरा दिलो दिमाग बहक चुका है। इस बार मुन्नी बाई हिजाब नवाब हैदर अली के साथ। दिल में जख्मों की हद नहीं रही, आप तो जानते हैं कि नवाब साहब के मुकाबले में इसके सिवा कि जल भुनकर कबाब हो जाऊं कुछ नहीं कर सकता। आप नवाब साहब से कहें, नवाब साहब दाग साहब बहुत परेशान हैं, उन्होंने हमसे आप तक ये पैगाम पहुंचाने को लिखा है। खैरियत तो है, उन्हें खुद हमसे कहने में क्यों हिजाब है? उनकी परेशानी का सबब ही हिजाब है। वो क्यों? वो हिजाब के तीर नजर के बेतरह घायल हैं। क्यों नहीं, शायर जो ठहरे अक्ल से ज्यादा दिल से काम लेते हैं। हमारी तरफ से उनसे कहिए कि हमें हिजाब उनकी शायरी से ज्यादा अजीज नहीं है। जाके अहदे शबाब का आना था दोबारा हिजाब का आना, मेरे गमखार जाके लाए उन्हें, न बनी कुछ बगैर आए उन्हें। इस बार तो आप हमें भूल ही गईं। आपको कैसे भूल सकते हैं, हम मजबूर थे। ये मजबूरियां कब तक जिंदगी को अजाब बनाएंगी? आज की खुशी को कल के गम से क्यों मैला करें? याद है एक रश्क गुल की सैर, चौदहवीं रात को वो पुल की सैर, नशे हुस्न की तरंग गजब, नौजवानी की थी उमंग गजब। उफ्र अहदे शबाब की मस्ती, बेपिए ही शराब की मस्ती। मुन्नी भाई, इस शेरो शायरी के इश्क में आप हमारे पेट पर क्यों लात मारती हो? हाँ, बाकी बहुत दिन हो गए। घर बार से कब से दूर पड़े हुए हैं? बहुत दिन हो गए, अब जाने की इजाजत दीजिए। ये हमारे इख्तियार में कहाँ? ताक साहब, मैं अकेली नहीं हूं, कितनों की जरूरतें मेरे साथ जुड़ी हैं। गई हिज्र की घड़ी सर पर, ये बला झेलनी पड़ी सर पर, जिंदगी शर्त है तो आएंगे, लुत्फ सोबत का फिर उठाएंगे। आदाब लाला जी। बंदगी नवाब मिर्जा, बैठिए। आज सवेरे सवेरे इस गरीब खाने को कैसे इज्जत बख्शी? शमुनाथ जी, आप तो वाकिफ हैं, खुल्दे आशियां वाली रामपुर नवाब कल्बे अली खान के इंतकाल के बाद हमारा जो हाल है, मरहूम मेरे कदरदान थे, अब क्या कहूं। पहले तो पूछता था जमाना हमारी बात, अब है ये हाल कोई हमें पूछता नहीं। ये तो है, मगर
देश में आपके चाहने वालों की क्या कमी है? जहां जाएंगे हाथों हाथ लिए जाएंगे। हैदराबाद जाने का इरादा तो किया है, ईश्वर आपकी यात्रा सफल करे। शंभुनाथ जी, आपकी इनायतों का शुक्रगुजार हूँ। जैसी कोई सूरत पैदा होती है सबसे पहले आपका कर्जा चुका दूंगा। हैदराबाद में आप सैफुल हक के ही नहीं सारे दक्कन के मेहमान हैं, आपसे मिलने चला आया। आप ही जैसे करम फरमाओं ने ढारस बना रखी है, वरना हालात आपके सामने हैं। अजी घबराइए नहीं, आपके कसीदे नवाब मीर महबूब अली खान तक पहुंच चुके हैं, बस कुछ ही दिन की तो बात है। जान जाती दिखाई देती है, उनका आना नजर नहीं आता। मायूस न होइए, कल चंदूलाल शादा के मुशायरे में शिरकत फरमाइए। वहां पर महाराजा हरकिशन प्रसाद शाद और बहुत सारे दूसरे हजरात भी होंगे। सबके साहब आपके खैर कहां हैं? खैर, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया, तमाम रात कयामत का इंतजार किया। वाह 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 वाह, बहुत खूब। दिल्ली की जबान को अपनी शायरी में आपने जिस तरह से निखारा संवारा है, ये आपका ही हक है। जी, लाल किले की जबान का तहफुज हमारा फर्ज था, सो हमने निभाया। वाह, किले मोहल्ला की धुली हुई जबान, शोख बयान, हर शेर जैसे तीर कमान, आपकी गजल तो मुशायरे की जान होती है। महाराजा किशन प्रसाद तो आपके मुरीद हो गए। अल्लाह उन्हें खुश रखे, जबानो बयान से वाकिफ है, हमारे मेहरबान हैं। लेकिन मियां, दरबार में किसी तरह रसाई हो तो बात बने। शहर के सारे बासर लोग आपको यहां जमाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। खुदा ने चाहा तो माना के सताओगे सताना भी तो आए, वो दिन भी तो आए वो जमाना भी तो आए। बीवी बच्चे कहीं हम कहीं, अल्लाह ही जानता है कैसे दिन गुजर रहे हैं। अहमद साहब, हमारे शागिर्दों के रजिस्टर में नारायण प्रसाद मेहर और नूह नारवी का नाम भी दर्ज कर दें। जी बेहतर है। अब इनका नंबर कौन सा हुआ? इनके साथ आपके शागिर्दों की तादाद 2000 तक पहुंच गई है। माशाल्लाह, पूरी उम्मत है। इनके अलावा 14,000 गजलें भी आपसे मंसूब हैं। जी हाँ, दो मुकम्मल दीवान बर्बाद होने के बाद, एक तो गदर के जमाने में जाया हुआ और दूसरा हैदराबाद की नजर। अच्छा, क्या बात है, काले रंग से सुनहरी रेत की टोपी, मिया कसौटी पे सोने की लकीर जानो। ये तो हमारी दिल्ली का ढब है, हजरत दिल्ली से आए लगते हैं। सही पहचाना आपने। इसमें गिरामी यानी आपका नाम? वतन से चले दाग जब हम दकन को, छुटे अहले हिंदुस्तान कैसे कैसे। सुभान अल्लाह, इन लड़कों की बात का बुरा ना मानिए। बुरा मानना कैसा, मुझे तो इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, इन्होंने मेरी पेशानी पर सोने की लकीर देखी। क्यों नहीं, आप जैसे अजीब शहर का यहाँ आना जो हुआ है, ये दक्कन की खुशनसीबी है। मुबारक हो दाग साहब, मुबारक हो, आप सुल्तान दक्कन के उस्ताद मुकर्रर हुए। शुक्र है खुदा का, आपकी सिफारिश और मेरी किस्मत कामयाब हुई। हम आपके हैं, हैदराबाद आपका है, आपकी कदर अफजाई हमारी तहजीब की कदर अफजाई है। अल्लाह आपको खुश रखे। इस रकम में से हमारे कर्जदारों का हिस्सा पहले निकाल दो। वो दिन नहीं रहे तो इंशाल्लाह ये दिन भी नहीं रहेंगे। काश तुम आज जिंदा होती
और मेरे साथ इन खुशियों में शरीक होती। दुश्मने जा सलामे शौक एन इंतजार में मोहब्बत नामा दस्तयाब हुआ कई बार पढ़ा किसका खत है जिसमें इतना खोई हुई हो? उस्ताद शाहे दक्कन बुलबुले हिंदुस्तान नवाब मिर्जा दाग का खत है हमारे नाम। यानी कि तुम्हारे पुराने आशिक अभी भी बुझी हुई राख में चिंगारी बाकी है क्यों? मगर ये मत भूलो कि तुम अब मेरे निकाह में हो। निकाह तलाक से टूट भी सकता है। तो नौबत यहां तक आ गई। ये दिल का सौदा है मियां जी, दिल ना मिले तो अलहदगी जायज है। दाग की दौलत और शोहरत ने तुम्हारा ईमान खराब कर दिया है। ईमान नहीं खराब किया, अक्ल सुझाई है। क्या मतलब? मतलब ये, मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ और भी पेट जुड़े हैं। तुम्हारे साथ निकाह में रहकर खुद क्या खाऊं, दूसरों को क्या खिलाऊं? ये सारी बातें तुम्हें शादी से पहले सोचना चाहिए था। हाँ, मजबूरी में इंसान की सोच कहाँ काम करती है। लेकिन आपके लिए थी रहे नसीब बीवी पर गजल कब से? जब से अम्मी जान ने आपको हमारे हवाले किया था। हाय अल्लाह। चले सल्लिया।
खुदा ने आपको मकबूल आम किया नवाब मिर्जा, खूब डूब के कहते हो। अब आपको इस्लाह की जरूरत नहीं। खूब जबान लिखते हो मियां। आदाब। एक मतला पेश है। इरशाद। जायज नहीं। आपकी बज्म में सब कुछ है मगर दाग नहीं। हमको वो खाना खराब आज बहुत याद आया। ये शायरों के नगमे कवियों की कल्पनाएं, ये शायरों कवियों की कल्पनाएं, हर दौर को पुकारे, हर दौर को पुकारे, ये प्यार की सदाएं, ये शायरों के नगमे कवियों की कल्पनाएं।